Hi guys, this video is dedicated to all the MH Law CET 5 years 2024 aspirant. Exam की date अपनी 3rd of May है. How to prepare for your examination along with the 12th board. तो ये video dedicated है उन बच्चों के लिए जितने लोग 12th board के साथ साथ 5 years CET की preparation कर रहे हैं and they are targeting for the GLC Mumbai, IELTS Pune या दूसरे जो भी top law colleges है. ठीक है. Score wise we need to hit 120 plus तो जाके अपना अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा. कैसे लेके आओगे, क्या क्या एरिया पे आपको प्री बोर्ड काम करने की जरूरत है, क्या क्या एरिया पे आपको पोस्ट बोर्ड काम करने की जरूरत है, क्या क्या चीज़ें अभी से स्टार्ट कर देनी है आपको, सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा. ठीक है, इस वीडियो में. सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, रिवर्स करके वापस से देख लेना अगर कुछ नहीं समझेगा तो. वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, ठीक है, बिकॉज काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ कि क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं जो अवॉइड करनी चाहिए. अगर आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन चालू कर रहे हो या जस्ट स्टार्ट किया आपने पढ़ाई, तो जो जो मैं बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है, गलतियां अवॉइड करनी है. सो वी डोंट हैव अ टाइम टू डू द मिस्टेक. मिस्टेक करने का टाइम नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो राइट रिसोर्सेस, राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप और आपको मेहनत करनी है. अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, सो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल. अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हो, बोर्ड के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप निकालोगे एग्जाम. ठीक है, प्लीज शेयर इस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड जितने लोग 5 ईयर सी टी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे आर टारगेटिंग फॉर द बेस्ट लॉ कॉलेजेस फॉर देयर करियर. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इफ यू आर मुंबई बेस्ड, सो यू कैन चेक आउट आवर क्लासरूम कोचिंग. 15 मार्च ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग द बैचेस एट आर ऑल द सेंटर. So Borivali, Dadar, Vasai, Thane, Andheri. So whichever center is convenient to you, you can visit our center. अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो तो ऑनलाइन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. फॉर द क्लासरूम स्टूडेंट देयर आर 20% ऑफ गोइंग ऑन जो कि 10th ऑफ मार्च तक है. सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ बिफोर 10th ऑफ मार्च, यू कैन कॉन्टैक्ट टू द सेंटर एंड यू कैन टेक योर एनरोलमेंट्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वंस यू ज्वाइन द बैचेस काइंडली टेक ऑल द एक्सेस ऑफ द वीडियोज बिकॉज आगे मैं होमवर्क देने वाला हूँ उस पर आपके को काम करना है, वो उसमें से आपको वीडियो देखना चालू कर देना है. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस बुक्स, ई बुक्स जो भी है एंड मॉक टेस्ट. ठीक है, सो सीट्स आर लिमिटेड, जीएलसी आईएलएस इज आर टारगेट, या तो फिर अच्छे लॉ कॉलेज में अपने को जाना है. ये डिटेल सिलेबस है जो हम प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के लिए आपके. ठीक है, सो दिस इज वॉट द कम्प्लीट मैथ्स का सिलेबस, दिस इज कम्प्लीट लॉजिक का सिलेबस. ठीक है, फॉलोड बाई योर इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड लीगल. अच्छा, जीके को लेकर के कंप्लीट वीडियो पार्ट यू विल बी गेटिंग. स्टार्ट प्रिपेयरिंग द जीके, स्पेशली स्टैटिक जीके, बिकॉज स्टैटिक जीके से एवरी ईयर दे आस्क मैक्सिमम क्वेश्चन. ठीक है, सो बैचेस को लेकर के अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट टू द सेंटर एंड 10th ऑफ मार्च के पहले यू कैन ग्रैब द ऑफर. ओके, ऑलराइट, सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द टाइमलाइन हमारे पास कितना है. मार्च अभी चल रहा है तो मिड ऑफ मार्च वी आर लॉन्चिंग द बैचेस, तो मिड ऑफ मार्च अपने को मिलेगा, पूरा अप्रैल मिलेगा. ठीक है, 45 प्लस डेज का टाइम मिलने वाला है और मई तो आप साइड कर दो, 3 तारीख को तो अपना एग्जाम ही है. ठीक है, तो मई हमारे पास नहीं है. ओके, सो मेक श्योर आपका टारगेट बहुत क्लियर हो, जीएलसी आईएलएस के नीचे सोचना ही नहीं है. जो जो मैं बताऊंगा वो फॉलो करोगे तो आप निकालोगे एग्जाम. ठीक है, उसके बाद अभी बात करते हैं, ये तो मेजर चीज़ें हैं, प्री बोर्ड, पोस्ट बोर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कोर वर्सेज कॉलेजेस, सिलेबस. तो पहले मैं सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ. ठीक है, आई एम श्योर सबको सिलेबस तो पता ही होगा, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 120 मिनट के अंदर. सो अपने पास 2 घंटे का टाइम है पर क्वेश्चन के लिए, 30-40 सेकेंड का टाइम है आपके पास, 45 सेकेंड मैक्सिमम. ठीक है ना, लॉजिक, इंग्लिश, जीके, लीगल, मैथ्स. हर साल जो गेम चेंजर सेक्शन होता है सबसे नंबर वन पे है वो जीके, फॉलोड बाय लॉजिक के अंदर अरेंजमेंट वाला पार्ट, इंग्लिश के अंदर आपका वोकैब वाला पार्ट, बाकी मैथमेटिक्स. लीगल आप कर लोगे, हाँ अभी लीगल जीके पूछना भी चालू किया है, सो दैट इज़ आपके मेन्यूअर के मॉक में भी लीगल जीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे. ठीक है ना, तो अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन मॉक भी लिखना, अपने को 20 मॉक खत्म करने हैं गाइस, ये याद रखना. स्कोर वर्सेस कॉलेजेस, तो सीईटी में टॉप मारना है आपको, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप सीईटी में टॉप मारने के बारे में सोच रहे हो क्या, बिकॉज जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हमारे एक्शन में भी नहीं आएगा वो. राइट, 130 प्लस का स्कोर सोच रहे हो, 125 प्लस का स्कोर, 120 प्लस का स्कोर, 115 प्लस का स्कोर, 110 प्लस का स्कोर, 105 या 100 प्लस का स्कोर. 100 के नीचे भाई कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक ठाक भी मिलना मुश्किल है.
ठीक है, तो 100 के तो ऊपर ही जाना है अपने को, उससे कम स्कोर के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। सो दैट इज़ वाई इफ़ यू हैव ज्वाइन मेन्यूअर लाइव या क्लासरूम, जो भी बैचेस आपने ज्वाइन किया है उसके अंदर आपके पूरे सिलेबस तो होंगे। इन एडिशन टू दैट कैसे एग्जाम को निकालना है, क्योंकि फर्स्ट सेशन मेरा ही होगा, तो 15 के पहले मेक श्योर एनरोल कर लेना 15 मार्च, सो दैट यू शुड नॉट मिस माई लेक्चर, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी कंप्लीट प्लानिंग दे दूंगा, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है और आप एग्जाम कैसे निकालोगे, ठीक है। सो इफ़ आर इन मुंबई बेस्ड तो क्लासरूम में मैं मिलूंगा आपको थाने, बोरीवली सेंटर, अंधेरी सेंटर, दादर सेंटर, वसई सेंटर, सो आई विल बी मीटिंग यू पर्सनली, तो वहाँ पे आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, लाइव क्लास में तो मैं डिस्कस करूँगा ये आपसे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हमें एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले दिमाग में रख के स्टार्ट कर देना है। इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर पेज वन एंड एडिटोरियल पेज, ईजी टू मॉडरेट लेवल की इंग्लिश है तो करना ज़रूरी है, इससे आपका इंग्लिश भी इंप्रूव होगा, जीके भी इंप्रूव होगा, एक रीडिंग का पेस बनेगा आपका। रिवीजन डेली, वीकली, मंथली, ये चीज़ें करनी है आपको। ये आप, मैं पोस्ट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जब भी आप फुल फ्लेज पढ़ाई चालू कर दोगे आपकी, जब आपके लेक्चर चालू हो जाएंगे, बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, आपके टॉपिक होना चालू हो जाएंगे, लेक्चर्स होना चालू हो जाएंगे तभी, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, हम क्या करते हैं ना, हमारी वीकनेस से हम भागते हैं क्योंकि हम उसको फेस नहीं करना चाहते, वी डोंट वॉन्ट टू फेस फेलियर। जब तक आप फेस नहीं करोगे आप उसको इम्प्रोवाइज़ करने के बारे में कैसे सोचोगे फिर, राइट। तो आपको ये चीज़ पहले फेस करने आनी चाहिए, स्ट्रेंथ को तो और बेटर करना है और जो आपका वीकनेस है उस पर भी काम करना है, बिकॉज हमें एग्ज़ाम निकालना है। ओवर या अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, मार्क्स अच्छा आ गया आपका या कुछ टॉपिक में आप बेटर कर रहे हो तो ओवर भी नहीं हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाना है, और अगर स्कोर नहीं आ रहा, कोई टॉपिक नहीं बन रहा है, सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, तो अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, सीईटी को फॉर ग्रांटेड मत लो कि आप पेपर तो बहुत हलवा है, ऐसे ही जाके लिख देंगे, फिर ऐसे मार्क्स भी आएंगे आपके, ठीक है, और फिर वैसे ही आप कोई भी कॉलेज भी ले लोगे। वेरी इंपॉर्टेंट मेंटरशिप गाइडेंस, किससे आप मेंटरशिप ले रहे हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैकल्टी ने या जो भी आपको मेंटरशिप या गाइड कर रहा है, उसने खुद भी एग्ज़ाम निकाले हैं क्या, कोई उसने खुद भी एग्ज़ाम लिखे हैं क्या, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, सो वेन एवर यू आर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग काइंडली लुक ऑल दिस पार्ट। आई माई सेल्फ राइटिंग एग्जाम सिंस लास्ट 5 ईयर, हर साल मैं एग्जाम लिखता हूँ, पेपर एनालिसिस करता हूँ, एंड अकॉर्डिंगली आई गाइड स्टूडेंट, एंड दैट इज वाई मैक्सिमम स्टूडेंट ऑफ मेन्यूअर क्रैक द एग्जामिनेशन। सो एज आई मेंशन अर्लियर कि मैं फर्स्ट डे आपको मिलूंगा आपके लेक्चर में, जहाँ पर मेरा ओवरव्यू स्ट्रैटेजी सेशन होगा, एंड आई विल बी गाइडिंग यू कैसे एग्जाम को आप निकालना है आपको, ठीक है। वन गोल नो ऑप्शन के साथ पढ़ाई करनी है, ये GLC में जाऊँगा, IELTS में जाऊँगा तो टॉप मारूंगा, ये गोल, उसके अलावा कोई भी गोल नहीं होना चाहिए, कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं प्री बोर्ड एंड पोस्ट बोर्ड पे। प्री बोर्ड क्या क्या आपको करना है, पहले तो बैच ज्वाइन कर लो, क्लासरूम या लाइव जो भी है, काइंडली टेक वीडियो लेक्चर का एक्सेस, ये एक्सेस पूरा इमिडिएटली ले लो। क्या करना है आपको, वीडियो में से स्टैटिक जीके का वीडियो देखना चालू कर देना है, पहले हैंड आउट्स गो थ्रू करना है स्टैटिक जीके का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, ठीक है। रिसेंटली आई अपियर फॉर द अदर CET एग्जाम, उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसमें भी बनेंगे, ठीक है। और इसके बाद उसका वीडियो देखना है आपको। अपार्ट फ्रॉम दिस 1500 क्वेश्चन का आपको मॉक लिखना है, 1500 क्वेश्चन वी हैव मेड फॉर ऑल द स्टूडेंट, जितने लोग CET लिखने वाले हैं, सो दैट वो क्वेश्चन में से, उस मॉक में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में हाईली एक्सपेक्टेड रहेंगे, तो वो करना है अपने को। इंग्लिश के पूरे वीडियो देख के खत्म करो, आई रिपीट, इंग्लिश के पूरे वीडियो देख के खत्म करो, ग्रामर हो गया आपका, रीडिंग कॉम्पिटिशन हो गया आपका, वो कैब हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, पैराग्राफ जंबल हो गया, ये सारे वीडियो देख के खत्म करो, ठीक है ना। जब लेक्चर होगा आपका तब आप रिवाइज मारोगे, है ना। लीगल के भी सारे वीडियो देख के खत्म करो, वीडियो देख के सारे रिकॉर्डेड वीडियो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, और जब ये लेक्चर होगा तो आप रिवाइज मारोगे। आर यू रीडिंग दिस, दिस इज हाउ, इतना काम अपने को करना है प्री बोर्ड, मतलब अलॉन्ग विद द बोर्ड। अभी आपके पास अराउंड 7 to 10 days का टाइम है, आई थिंक 15 तारीख या 20 तारीख के आसपास बोर्ड खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इतना काम अपने को करके ले लेना है, तो जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आज देख रहे हो, तो आज का आज ये काम करना चालू कर दो। अपने पास गाइस टाइम नहीं है, तो ये इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक एक घंटा देना दिन का, एक एक घंटा दिया तो भी बहुत हो गया, 1 घंटे से 2 घंटे, है ना, मतलब 1 घंटा चाहिए तो आप सुबह दे दो, फिर 1 घंटा शाम को दे दो, या आधे घंटे सुबह दे दो, शाम को 1 घंटा दे दो, तो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे काम करना है अपने को। वीडियो देख के क्या होगा कि आपको एटलीस्ट ये 3 एरिया की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर तो बोर्ड के बाद अपने को लॉजिक करना, आप लॉजिक तो फोड़ेंगे ही, इंग्लिश भी फोड़ेंगे, ठीक है, मैथ्स में भी अच्छा करेंगे, तो आपको जो मतलब पढ़ने के लिए कम टाइम मिलेगा वो है GK, इट इज़ वास्ट एरिया, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट डोंट नो व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी GK सेक्शन, एंड दैट इज वाई दे फ्लंग टू स्कोर गुड मार्क्स, ओके।
उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट बोर्ड क्या करना है, सारे सेक्शन के, चाहे आपने मैनुअल का लाइव या क्लासरूम सेशन लिया हुआ है तो उसके लेक्चर्स अटेंड करने हैं। जैसे जैसे लेक्चर होगा वैसे वैसे आपके आपको बुक ई बुक जो भी मिले उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। फिर टॉपिक टेस्ट लिखना है, उसका रिवीजन करना है, और फिर फुल लेंथ मॉक। एवरी वीक यू हैव टू राइट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस, टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एनालिसिस ऑफ द मॉक कि हाँ पहले मॉक में मेरा ये स्कोर आया था, दूसरे मॉक में मेरा स्कोर ये आया, तीसरे चौथे मॉक में। लाइक वाइज फर्स्ट 5 मॉक में आपका प्रोग्रेस ग्रोथ आप देखोगे कि हाँ ये मार्क्स मेरा इंप्रूव हो रहा है और कहाँ कहाँ मैं लैक कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ये इतना काम आपको प्री बोर्ड करना है, और ये फिर आपका पोस्ट बोर्ड, तो आपको पूरी पढ़ाई करनी ही करनी है, ठीक है। 20 मॉक टेस्ट लिख रहे हो यार, 20 × पर मॉक आपके हो गए 15 पर मॉक आपके हो गए 150 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने वाले हो सिर्फ मॉक से। बाकी आपका टॉपिक टेस्ट अलग और बुक के क्वेश्चन अलग, लेक्चर के क्वेश्चन अलग, तो मिला के आप काफ़ी डिसेंट लेवल पे पर टॉपिक तो 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो, विच इज़ मच मोर सफिशियंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, इन दिस वीडियो मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है क्या क्या करना है अपने को, ठीक है। जितना जल्दी हो सके ये प्री बोर्ड वाला काम चालू कर देना, ठीक है। और ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना आपके सारे फ्रेंड लोग को। बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है, मेनी स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज क्या करें, बहुत तो टेंशन में भी है। सो आई डोंट वॉन्ट कि आप टेंशन प्रेशर लेके आपकी पढ़ाई खराब करो, ठीक है, बिकॉज टेंशन प्रेशर में पढ़ाई हो नहीं पाएगी। एंड इफ यू आर पेरेंट हु आर वॉचिंग माई दिस वीडियो, सो प्लीज़ हेल्प अदर्स, शेयर इट टू एवरी वन एंड गाइड योर किड कि आराम से हो जाएगा। प्रेशर लेके पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना। सो दैट इज़ वाई इन माई फर्स्ट सेशन आई विल मीट यू, गाइड यू पीपल अबाउट दी प्रिपरेशन। एग्जाम आप निकालोगे और निकालना ही है अपने को, इस साल सीटी क्रैक करेंगे अपन, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फॉर एनी काइंड ऑफ अ डाउट एंड क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। एंड फॉर क्रैश कोर्स बैचेस, इफ आर मुंबई बेस्ड यू कैन कॉन्टैक्ट आर सेंटर, बोरीवली वसई दादा थाने अंधेरी, वी हैव 5 सेंटर इन मुंबई। एंड इफ आर नॉट मुंबई बेस्ड, लाइव क्लासेस के लिए 8828581455 यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम, ठीक है। प्रिपेयर वेल एंड श्योरली विल बी क्रैकिंग सीटी विद अ गुड स्कोर। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।